गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो इस समय आपको पता ही होगा कि मैं फैन मतलब हम सब निकल रहे थे कहाँ पर, तांबेश्वर नाथ मंदिर। और मंदिर जो हम सब कम से कम कितने 4-5 लोग तो जाएंगे अभी कुछ पता नहीं है, बट तांबेश्वर नाथ मंदिर जो कि फतेहपुर का बहुत ज़्यादा ही मशहूर मंदिर है, बड़ा मंदिर है। तो देखते हैं, आप सब भी चलिए साथ में और देखें, ठीक है। आप सभी को पता है कि मेरे पास यार माइक नहीं है, तो इसी से मैं हमेशा रिकॉर्डिंग करता हूँ अपना ईयरफोन का, क्योंकि माइक एक बार लिए तो सारा ख़राब निकला, तो इससे अच्छा जब इसी से अच्छा काम हो रहा है तो ही लेता हूँ। अभी तालाब है, आपको दिखा रहा हूँ, हमारे सामने तालाब है, रास्ते में था तो अभी हम सब चल रहे हैं। और ये सब काफ़ी लोग, अभी सबसे आपको एक एक करके परिचय कराऊँगा। कहने का मतलब ये भी सब अलग अलग अपने अपने पोस्ट पे, कोई सुपरवाइज़र है, कोई लेबर है। तो 5:30 बजे के बाद 5 बजे छुट्टी हो जाता है, 5:30-6 बजे सब आ जाते हैं, फिर हम सब निकल रहे हैं कहीं घूमने के लिए। दोस्तों मेरा नाम बब्बर, मेरा जिला बस्ती से है, स्टेट यूपी है। हम लोग तांबेश्वर नाथ मंदिर पर घूमने जा रहे हैं, अभी चलेंगे आपका वहाँ का व्यूज दिखाएंगे, बहुत गजब नज़ारा है वहाँ का, बहुत मज़ा आएगा। ऐसे वीडियो में बने रहे आप लोग, तो चलते हैं। मार्केट में आप पहुँच चुके हैं, तो मार्केट में नॉइस लग रहा है, आएगी भी लोग मुझे देखेंगे भी, क्योंकि यार ये ऐसा ब्लॉगिंग ऐसा चीज़ है कि अगर वो कोई नया बंदा तो ज़रूर मतलब उसको देखने लगते क्या कर रहा है कि नहीं। सलाम अलैकुम भाई। वालेकुम सलाम। एक सवाल है, काफ़ी अरसे से आप सोशल मीडिया पे, इस सफ़र का तजुर्बा कैसा रहा? इस सफ़र का तजुर्बा कुछ इस तरह रहा, जिनके सपने हम देखते हैं वो भी सपना देखते हैं, चाहे कितना भी किसको अपना क्यों ना मान लो, सबसे पहले वो अपना ही देखते हैं। मार्केट आ गई, और मार्केट फतेहपुर का मार्केट कुछ ऐसा ही है, और ये आक्रमण हुआ था ना, तो पूरा घर हुआ देखिए, पूरा टूटा हुआ है इधर का। तो अभी ये देखिए पूरा फतेहपुर का ऐसा ही हाल है। तो अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है ये मंदिर, ये भी है, कभी ये सब ये वाला मंदिर भी आपको दिखाऊंगा। गाइस ये सीधा मतलब हो गया रोड, ये वाला हाईवे वाला, ये इधर से मुड़ गया है रोड, तो अब चलते हैं क्योंकि अभी नवरात्र का सीजन चल रहा है। तूने साहस, तूने बुद्धि, तूने साहस, तूने ज्ञान दिया। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे भीड़ काफी लगा हुआ है, पूरा A to Z ऐसा मेला ही लगा, क्योंकि नवरात्र का एकदम सीजन चल रहा है, तो काफ़ी लेडीज़ लोग भी आ रही हैं। जेंट्स कम दिख रहे हैं लेकिन लेडीज़ ज़्यादा दिख रही हैं, क्योंकि भाई उन्हें सब भूखी रहती हैं, घर के लोग वही सब बड़े होती हैं। और ये देखो पूरा ऐसे पूरा लगा हुआ A to Z। और ये मंदिर ये है हमारे सामने जस्ट, ये मंदिर हो गया पीपल का अपना, ये शायद पेड़ है पीपल, नीम का पेड़ है, नीम और पीपल दोनों इसमें मिक्स दिख रहा है यार। ये देखो पेड़ में दोनों दिख रहा है, नीम और पीपल दोनों साथ में ही है, दोनों एकदम सटा हुआ जुड़ा हुआ है। तभी चलते हैं और देखते हैं अभी इसमें क्या क्या है। और ये देखो श्री सिद्धपीठ और मंदिर देख रहे हो, श्री सिद्धपीठ तांबेश्वर मंदिर, ये अमर उजाला का लगा हुआ है। और ये हो गया मंदिर, पूरा गाइस पूरा ये सब मंदिर A to Z। उसके बाहर जो है सब कुछ मिलता है, आप सब यहाँ पे प्रसाद साथ सब कुछ ले सकते हो, प्रसाद का भी शॉप है, फूल माला भी है, कुछ भी ले सकते हो आप। तभी चलते हैं मंदिर के अंदर। जैसे कि ये मंदिर आप देख सकते हो, काफ़ी लोग अभी आ जा रहे हैं, भीड़ काफ़ी, नवरात्र का सीज़न चल रहा है तो इस समय जो है लंगर भी लगता है, यहाँ पर लगा हुआ था। और काफ़ी यहाँ पर जो अगर आप मंदिर पर आओगे तो यहाँ पर सब कुछ प्रसाद और सब कुछ मिल जाएगा आपको, प्रसाद वरसाद बहुत लोग आते हैं चढ़ाते हैं। और हम भी चलते हैं मंदिर के अंदर, आप भी चलिए मंदिर के अंदर। शूज रैक भी बना हुआ है, शूज यहाँ पे रख सकते हो। जैसे कि आप देखो अभी अभी हम पैर धुले हैं और मुंह धुल लिए हैं, तो दर्शन करते हैं, काफी लोग भक्त लोग आए हुए हैं तो हम सब भी दर्शन करते हैं। लोग अपना अपना चढ़ाते हैं, काफ़ी लोग जो है यहाँ पे जो है अपना अपना फ़ोटो पोस्ट करवा रहे हैं, ये भी इस समय फ़ोटो ही खिंचवा रहे हैं लोग खड़े होकर। और यहाँ पे शायद हवन ववन का भी होता है, हवन भी होता है यहाँ पर,
और आप सभी को मैं दिखा दूँ तो हवन हमारे जस्ट पीछे ही होता है, जैसे वहाँ पे रखा हुआ है हवन होता है, ये हवन कुंड है, ये हवन वहाँ पे भी होता है। मेन मंदिर जो है, मेन मंदिर ये है अपना मेन मंदिर, और ये देखो काफ़ी लोग, ये मेन मंदिर ये है, और मतलब सब यहीं पर देखो कितना इस समय भीड़ लगा हुआ, क्योंकि नवरात्र का सीज़न चल रहा है तो इसीलिए इतना ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है। और ये देख सकते हो आप, ये यहाँ पर ये भी पूरा रखा हुआ है, और मतलब कौन सा पेड़ है ये, मतलब पता नहीं क्या है, सब लोग आके करते हैं बट मालूम नहीं, नीम उम का है और कुछ होता होगा चढ़ावा क्या। और इसी के जस्ट पीछे नेक्स्ट द्वार भी है, ये आप द्वार भी है, इसके आप बाहर भी जा सकते हो और देखते हैं अभी बाहर जाके। तो बाहर में अभी तो कुछ है नहीं, बाहर में ऐसे कुछ आएगा लुक। और ये पूरा कुंड हो गया, कुंड जैसे पीछे देख सकते हो, पूरा कुंड ही कुंड है। तो मंदिर बस यही है, और अभी और चलते हैं, देखते हैं अभी और क्या क्या है। और लोग यहाँ पे भी हैं, और यहाँ पे जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। हाँ, तो अभी सब एक एक लोग हैं, तो अभी इनसे धीरे धीरे एक एक करके परिचय दिलाता हूँ, क्योंकि अभी मंदिर है तो मंदिर में देखता हूँ। आप बताइए सर जी, नाम बोलिए। मेरा नाम हुआ उज्ज्वल, और मैं आया हूँ तांबेश्वर नाथ मंदिर में। यहाँ बहुत ही इंजॉय हो रहा है सबके साथ में, नवरात्र का कौन सा और रामनवमी का दिन चल रहा है, तो हम लोग आए हैं मंदिर, सब लोग के साथ इंजॉय कर रहे हैं, सब लोग यहीं पे हैं, आगे आपको सबसे मिलवाते हैं। तो अभी ये सब भी अभी बचे हुए हैं, तो इनसे तो आपको मिल चुके हैं, तो अभी और किसी से और मिलना चाहेंगे आप, तो ये अभी हमारे सर अभी ये कुछ और बताएंगे, तो आप बोलिए सर जी। बहुत अच्छा है तांबेश्वर मंदिर, यहाँ हम लोग सब सभी लोग दोस्त घूमने के लिए आए हैं, बहुत अच्छा है। जय माता दी, जय माता दी। आइए सर जी आप भी। जय माता जी, तांबेश्वर मंदिर घूमना है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत घूमने में इंजॉय आ रहा है, आप लोग भी आइए, आप लोग भी घूरिए, इंजॉय कीजिए। आप बोलिए, इधर आइए। क्या चीज़ बोला? अरे बताइए ना, फीडबैक कैसा रहा है, कैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या मज़ा आ रहा है कि नहीं सर जी, मतलब देखने में है ना। तो अपना नाम बताओ, क्या है नाम आपका? जो चतरा झारखंड से बिलोंग करता हूँ, मेरा नाम आशीष कुमार यादव है। आशीष कुमार यादव, तो अब आशीष कुमार यादव से भी मिल चुके हैं, अब इनसे मिलते हैं, देखिए ये क्या बोलते हैं, बताओ गाइस। तभी तो बेचारा है, कुछ सदमे में है, क्या बोलूँ मैं, तभी इसको कुछ पता नहीं, तो अपना नाम ही बता दो यार, कुछ नहीं बता सकते हो तो। अभी मिलते ना, तभी हम चंदन लगाते, चंदन हर कोई लगा लिया तो मैं भी लगाया। अरे भाई चंदन किधर लगाए यार, अभी चंदन लगवाते, कहाँ लगाए हो चंदन, कहाँ से लगवाए हो? तभी यार अभी हम चंदन नहीं लगवाए, तो देखते हैं, कहीं ढूंढते हैं कहाँ लगवाते हैं चंदन, अभी रुको देख रहे हैं, फिर मिलते हैं आप सभी को। इसमें भी मंदिर एक शिव परिवार करके है, अब बाबा से चंदन लगवाएंगे। चंदन लगवा दिए, जय किसान, जय श्री राम, जय श्री राम। तो इसमें जो है रामनवमी का दिन भी चल रहा है, और जो है प्रसाद भी मिल गया खाने को, तो भी खाते हैं प्रसाद, और काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब चंदन अगर लग जाता है तो काफ़ी अच्छा लगता है, इसमें डेली भीड़ ऐसा होता हो, फिर भी इस हिसाब से देखा जाए तो भीड़ है। तो आप सभी को शायद मतलब सुनाई दे रहा हो अच्छे से आवाज़। ये गाइस एक बार चक्कर लगवाते हैं आप सभी को मंदिर का, तो आप देखिए मंदिर, फिर इसके बाद में मिलते हैं। नारियल तोड़ने का स्थान है, हाँ है, देखो इसमें लिखा भी हो नारियल तोड़ने का पूरा, देखिए पूरा एट। तो आइए एक बार मंदिर घुमाते हैं, एक बार सुनो, एक बार मन मुझको दर्शन दे के मैया भाग जगा दे मेरे, मुझको दर्शन दे के मैया भाग जगा दे मेरे, ओ मैया मैया बोले मेरा, मैया मैया। ये कैसा लग रहा है? प्रेम से
बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, अरे मिलके बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, जय माता दी। तूने ही पाला है मुझको, जय श्री राम बोलते हैं, जय श्री राम बाबा जी। ये जो है मंदिर से, मतलब मंदिर का मतलब बाबा पुजारी है ना, सबसे बड़े पुजारी हैं, इसके बाद दूसरे नंबर तीसरा में यहाँ, मतलब तीसरे में ये बाबा जी आते हैं। अभी फर्स्ट नंबर पे कौन है इस जगह पे पुजारी? हाँ, तो ये सुबह जो है कितने बजे खुल जाता है? सुबह कितने बजे खुल जाता है? 6 बजे, मतलब 6 बजे सुबह खुल जाता है। फिर बंद कितने बजे होता है? बंद 9:30 बजे तक। 9:30 बजे, 9:30 बजे बंद भी हो जाता है। चरणों में तेरे मैंने तन मन वारा, मा, तुझे दिल ने पुकारा। जिससे मिलना था मिलाया भी, और आप सभी को मंदिर भी दिखाया। तो आप सभी को मंदिर कैसा लगा, तो आप सब जो है कमेंट में जरूर बताइएगा। तो हम भी आए थे इस समय जूता पहनने, है ना। तो ये निकलने का द्वार नहीं है, बट लोग यहाँ से निकलते हैं जल्दी, लोग यहीं से घूम टाल के निकलते हैं। तो उधर का भी शायद गेट बंद हुआ है पीछे का, और चंदन लग गया थोड़ा अपने आप का, प्राउड ऑफ, मतलब थोड़ा हाँ अच्छा लग रहा है। और ये शायद कुआं है, यहाँ का कुआं है, ये हमारे पीछे जस्ट कुआं है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप सभी को ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और काफ़ी भी हमारी वीडियो है, जैसे कि अगर मंदिर को अगर आपको देखना है तो गए थे वहाँ मैंगलोर का कुद्रौली मंदिर, वहाँ पे भी इस समय बहुत ज़्यादा भीड़ होगा। तो बस कहने का मतलब यही है गाइस, अब निकल भी चुके हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।